हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस फॉर ऑल एसएससी एग्जाम। यदि आप कोई सा भी एसएससी एग्जाम दे रहे हैं तो इस वीडियो क्लास को प्लीज़ पूरा एंड तक देखिए। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझाऊंगा और काफ़ी सारी ट्रिक्स मैं डिस्कस करूंगा इन क्वेश्चंस को करने की। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो क्लास को और समझते हैं इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 1। द वाइडली पब्लिसाइज्ड मैनिफेस्टो ऑफ द न्यू पार्टी इज नॉट मच डिफरेंट देन आर्स। इसमें दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है, एक एक मैनिफेस्टो नई पार्टी का है और एक मैनिफेस्टो हमारा है। ठीक है, तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट देखिए कि यहां पर लिखा हुआ है आर्स। आर्स का मतलब है हमारा मैनिफेस्टो और एक है नई पार्टी का मैनिफेस्टो। तो यहां पर आप आर्स भी बोल सकते हैं जिसका मतलब है आर पार्टी यानी हमारी पार्टी, और आर्स भी बोल सकते हैं। तो ये तो सही है इसमें, लेकिन यहां पर देखिए डिफरेंट को यदि आप देखें तो डिफरेंट के बाद हम लगाते हैं फ्रॉम, डिफरेंट के बाद हम देन नहीं लगाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सी। तो ये एक कॉमनली आस्क कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यदि इन सारी कॉन्सेप्ट्स को आप समझ लेते हैं तो काफ़ी सारे स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस आप सही कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हिज ब्रदर डज नथिंग बट टू फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स एंड लाफ एट देम। उसका भाई कुछ नहीं करता है, केवल दूसरों में गलतियां निकालता रहता है और उनके ऊपर हंसता रहता है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है नथिंग बट का, और नथिंग बट का मतलब क्या होता है? देखिए, इसको यदि आप सिंपल लैंग्वेज में समझें तो नथिंग बट का मतलब होता है ओनली। नथिंग बट का मतलब होता है ओनली या जस्ट, और इसके बाद हम टू नहीं लगाते हैं। तो यदि आप यहां पर ओनली लगाएंगे तो देखिए ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। हिज ब्रदर ओनली फाइंड फॉल्ट्स, हिज ब्रदर ओनली फाइंड फॉल्ट्स। ओनली टू नहीं हम लगाएंगे, हम ओनली फाइंड फॉल्ट्स यहां पर बोलेंगे। तो इसलिए नथिंग बट के बाद हम किसी भी सेंटेंस में इस टू का प्रयोग नहीं करते हैं, और यहां पर बी जो है ये आपका आंसर होगा क्योंकि बी पार्ट में इसमें एरर है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हेन वी विजिटेड हिज ऑफिस यस्टरडे वी फाउंड दैट ही वाज सिपिंग कॉफी विद सम ऑफ हिज कॉलीग्स। जब कल हम उसके ऑफिस में गए तो हमने पाया कि वो कॉफी पी रहा था अपने कुछ कॉलीग्स के साथ। तो यहां पर देखिए दो सेंटेंसेस हैं, कल हम गए यानी पास्ट सिंपल टेंस, ये है पास्ट सिंपल टेंस, और जब कल हम गए तो हमने देखा वहां पर ये चल रहा था। तो देखिए ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि पास्ट सिंपल टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम मिक्स करते हैं। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस को मिक्स करके हम सेंटेंस बना सकते हैं, और ये कॉन्सेप्ट सही है। तो when we visited his office yesterday, we found that he was sipping coffee with some of his colleagues. No error. तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर होगा no error, that is D. Past simple tense को और past continuous tense को हम मिक्स करके सेंटेंस करेक्टली बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन द पुलिस लर्नड दैट नॉट ओनली द हाउस वॉज लुक्ड बट ऑल्सो द प्रेसियस थिंग्स टेकन अवे। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, नॉट ओनली द हाउस वॉज लुक्ड, मतलब पुलिस ने यह पाया इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि ना केवल हाउस को देखा गया बल्कि वहां से जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, वहां से जो मूल्यवान चीजें थी उनको ले जाया गया। तो यहां पर पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट है, नॉट ओनली द हाउस वॉज लुक्ड, ये पैसिव वॉइस है, नॉट ओनली द हाउस वॉज लुक्ड बट ऑल्सो द प्रेसियस थिंग्स टेकन अवे। तो यहां पर तो हाउस लगा हुआ है, तो हाउस के साथ हमने सिंगुलर वॉज लगा दिया, लेकिन क्या ये वॉज थिंग्स पर अप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि थिंग्स प्लूरल है, तो इसलिए वॉज यहां पर अप्लाई नहीं होगा, और यहां पर हमें लगाना होगा वर, थिंग्स वर टेकन अवे, तब ये पैसिव वॉइस के हिसाब से सही क्वेश्चन आपका बनेगा, और इसमें आपका आंसर होगा सी। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। नो सूनर डिड द थीफ सी, नो सूनर का मतलब है जैसे ही।
ठीक है। और नो सूनर चूंकि निगेटिव वर्ड है, इसलिए इसके बाद हम डायरेक्ट सब्जेक्ट ना लगाते हुए पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। नो सूनर के बाद पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है। और नो सूनर के बाद हम दैट का प्रयोग नहीं करते, हम देन का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर आएगा देन, ठीक है। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिसमैन देन ही जम्प्ड ओवर द वॉल एंड रैन अवे। यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आपको देखना है, इस डिड के साथ यहां पर ये जो वर्ब आती है ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। तो वर्ब तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म में है तो ये तो सही है यहां पर, लेकिन दैट के स्थान पर इसमें देन का प्रयोग होगा। और ये जो पार्ट है ये है बी में, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। रमन इज वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया हु हैज अर्नड एवर लास्टिंग फेम फॉर साइंटिफिक रिसर्च। रमन के बारे में बात हो रही है। रमन जो है वो उन सन्स में से एक है जिन्होंने साइंटिफिक रिसर्च में एक फेम को हासिल किया है। तो यहां पर ये जो हैज है ये हु से कनेक्टेड है, और हु जो कनेक्टेड है इस सन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम ऐसे सन्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने साइंटिफिक रिसर्च में नाम कमाया है, और रमन उनमें से एक है, तो इसलिए हु हैव अर्न हम बोलेंगे। और यहां पर इसमें सही आंसर होगा आपका बी, तो बी इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। एम्स आर गिविन टू द पुअर्स। एम्स का मतलब होता है सहायता, इसको हम प्लूरल में यूज करते हैं, तो एम्स तो यहां पर सही है। एम्स आर गिविन मतलब एम्स को दिया जाता है, तो ये पैसिव वॉइस में है। लेकिन द पुअर का मतलब है पुअर लोग, द पुअर का मतलब है पुअर लोग, द रिच का मतलब है रिच लोग, द फेमस का मतलब है फेमस लोग, ठीक है। इसमें हम एस नहीं लगाते हैं, जब हम इस तरह से इस एडजेक्टिव के पहले यहां पर हम द लगाते हैं तो ये ग्रुप को इंडिकेट करता है, और ग्रुप में फिर हम एस नहीं लगाते हैं। तो द पुअर का मतलब है पुअर लोग, पुअर पीपल, इसलिए एस इसमें एक्स्ट्रा माना जाएगा या रिडंडेंट माना जाएगा, और इसका आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं। सिंस इट वॉज हिज फर्स्ट इलेक्शन कैंपेन द कैंडिडेट वॉज कन्फ्यूज, नन कुड क्लियरली अंडरस्टैंड ईदर द प्रिंसिपल्स ही स्टूड फॉर और द बेनिफिट्स ही प्रोमिस्ड। अब देखिए यहां से सेंटेंस को पढ़ते हैं। सिंस इट वॉज हिज फर्स्ट इलेक्शन कैंपेन, चूंकि उसका ये पहला इलेक्शन कैंपेन था, द कैंडिडेट वॉज कन्फ्यूज, कैंडिडेट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो कन्फ्यूज था। नन मतलब कोई भी व्यक्ति, नन का मतलब है यहां पर कोई भी व्यक्ति, नन कुड क्लियरली अंडरस्टैंड, किसी को भी ये क्लियरली समझ में नहीं आया कि उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं जिसके लिए वो खड़ा होता है, और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और वो किन बेनिफिट्स की बात कर रहा है, किन बेनिफिट्स को वो प्रॉमिस कर रहा है, बेनिफिट्स ही प्रॉमिस्ड। तो ये सेंटेंस देखिए काफी अच्छा है, ये टिपिकल एसएससी सेंटेंस है, और इसमें कोई गलती नहीं है, इसका आंसर होगा आपका डी। तो रीडिंग स्किल यदि आपकी अच्छी है, यदि आप रीडिंग करते हैं रेगुलरली, तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप देखते ही बता सकते हैं कि इसमें कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं। बींग अनेबल टू कोप अप विद द एक्सटेंसिव सिलेबस शी डिसकंटिन्यू द कोर्स विद हिज फादर्स कंसेंट। मतलब चूंकि वो सिलेबस जो था वो एक्सटेंसिव था, बहुत लेंदी सिलेबस था, उसके साथ वो कोप अप नहीं कर सकती थी, उसको मैनेज नहीं कर सकती थी, तो उसने अपने फादर की कंसेंट से, फादर की रजामंदी से उस कोर्स को डिसकंटिन्यू कर दिया। तो ग्रामेटिकली तो ये सेंटेंस सही लग रहा है, लेकिन यहां पर हम कोप अप विद नहीं बोलते, हम कोप विद बोलते हैं, कोप विद बोलते हैं, इसमें हम अप का यूज नहीं करते, ये अप का जो यूज है ये है गलत, ठीक है। तो बी इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर होगा, कोप विद, कोप विद किसी चीज का सामना करना, किसी चीज को डील करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं। ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड एंड अदर्स। अब देखिए वही सेम कॉन्सेप्ट पे फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्प्यूट तो सिंगुलर है तो डिस्प्यूट के साथ तो हैज बीन यहां पर लगा दिया, लेकिन अदर्स यहां पर प्लूरल है, इसलिए अदर्स के साथ हैज बीन नहीं जाएगा, अदर्स के साथ आपको यहां पर हैव बीन लगाना होगा। अदर्स का मतलब है अदर डिस्प्यूट्स, अदर्स का मतलब है अदर डिस्प्यूट्स, इसलिए हैव बीन यहां पर आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि हैज बीन डिस्प्यूट पर तो अप्लाई हो जाएगा
लेकिन अदर्स पर अप्लाई नहीं होगा, इसलिए अदर्स को सही करने के लिए आपको यहां पर हैव बीन लगाना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा किस पार्ट में है, ये है आपका सी पार्ट में, और इसका आंसर होगा सी। एसएससी सीजीएल और सीपीओ, सीपीओ अब एग्जाम आने वाला है, सीपीओ में इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। इफ यू डू हैव अ चिमनी शी सेज जस्ट रिमेंबर टू पुट द फायर आउट बिफोर यू गो टू द बेड। देखिए किसी स्टोरी में से ये लिया गया है, ठीक है। यदि आपके पास चिमनी है, यदि इफ यू हैव अ चिमनी, तो हैव अ चिमनी तो सही है, इफ यू हैव अ चिमनी, लेकिन ये डू किस लिए लगा हुआ है? ये डू लगा हुआ है इम्फेसिस के लिए, जो कि सही है, ये गलत नहीं है। इफ यू डू हैव ए चिमनी मतलब यदि आपके पास चिमनी है, तो ये इम्फेसिस के लिए लगा हुआ है, ये सही है। जैसे जैसे आप बोल सकते हैं आई वेंट देयर, या आप बोल सकते हैं आई डिड गो देयर, तो डिड इसमें जो लगाया है वो इम्फेसिस के लिए लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर सही है, लेकिन यहां पर आप देखिए बिफोर यू गो टू द बेड हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बिफोर यू गो टू बेड, क्योंकि गो टू बेड का मतलब होता है सोने जाना, इसमें हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। गो टू बेड सही जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है वो है गो टू बेड, और सी इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आई वुड रादर प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स देन टू क्लीन माई डर्टी रूम्स, अपने गंदे रूम को साफ करने की अपेक्षा मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना पसंद करूंगा। तो वुड रादर क्या है? वुड रादर के थ्रू हम कंपेयर करते हैं दो चीजों का, और इसमें एक चीज आप ध्यान रखिए, आई वुड, देखिए एक एक तो है इसमें रादर, और एक है मतलब दो एलिमेंट जुड़े जुड़ते हैं इसमें, एक रादर के बाद और एक देन के बाद। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो दो इक्वल एंटिटीज का कंपैरिजन करते हैं, बराबर की चीजों का कंपैरिजन करते हैं। चूंकि रादर के बाद इसमें प्ले लगा हुआ है, टू प्ले नहीं लगा हुआ है, इसलिए देन के बाद भी क्लीन आएगा, टू क्लीन नहीं आएगा। इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये टू एक्स्ट्रा है, और सी इसमें आपका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इट इज अ फैक्ट दैट सम पीपल गेट यूज टू चेंजेस वेरी इजीली देन अदर्स डू। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक फैक्ट है कि कुछ लोगों को आदत हो जाती है कि वो अलग अलग जो चेंजेस होते हैं, बदलाव के साथ अपने आप को ढाल लेते हैं, दूसरे लोग नहीं ढाल पाते। तो गेट यूज टू चेंजेस वेरी इजीली, अब देखिए यहां पर देन लगा हुआ है, देन किसके साथ कनेक्ट होता है? देन कनेक्ट होता है मोर के साथ, ना कि वेरी के साथ। तो यहां पर जो आएगा वर्ड वो आएगा मोर। इट इज ए फैक्ट दैट सम पीपल गेट यूज टू चेंजेस मोर इजीली देन अदर्स डू। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी। काफी अच्छा ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इन द गंगा डेल्टा मैनी लार्ज रिवर्स कम टुगेदर बोथ मर्जिंग एंड बाइफरकेटिंग इन ए कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क ऑफ चैनल। देखिए नेटवर्क किससे बनता है? क्या आप किसी एक चीज से नेटवर्क बना सकते हैं? किसी भी चीज का यदि आपको नेटवर्क बनाना है तो उसमें काफी सारी चीज होनी चाहिए। तो नेटवर्क ऑफ वॉट? नेटवर्क ऑफ चैनल्स, नॉट चैनल, ठीक है। तो इसलिए सी यहां पर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एज बेंजामिन रैन नेक्स्ट द स्टेट वंडर्ड व्हाट ही शुड बाय फॉर हिज मदर। जब बेंजामिन स्ट्रीट में दौड़ रहा था तो वो उसको उसको पता नहीं पड़ रहा था कि उसको क्या खरीदना चाहिए अपनी मदर के लिए। व्हेन बेंजामिन रैन, तो पास्ट टेंस है तो ये तो सही है इसमें। रैन नेक्स्ट द स्ट्रीट, ये एक्सप्रेशन गलत है, यहां पर हम बोल सकते हैं अलोंग द स्ट्रीट, ठीक है। अलोंग द स्ट्रीट का मतलब ये है कि ये स्ट्रीट है, ठीक है, ये स्ट्रीट है। तो अलोंग द स्ट्रीट मतलब स्ट्रीट में इस तरीके से भागना, जो कि सही है, ये है अलोंग द स्ट्रीट। यदि आप ऐसे जाते हैं तो ये है अक्रॉस द स्ट्रीट। तो यहाँ पर अलोंग द स्ट्रीट कहना सही होगा, और बी इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यू डिड नॉट आंसर माई लास्ट क्वेश्चन शी सेड स्टेपिंग टू हर बॉयफ्रेंड। अपने बॉयफ्रेंड की तरफ झुकते हुए उसने बोला, उसने क्या बोला कि यू डिड नॉट आंसर माई लास्ट क्वेश्चन, तुमने मेरे लास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। तो स्टेपिंग, देखिए यहां पर हम एक 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 मूवमेंट बता रहे हैं कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर टू ना आते हुए हम लगाएंगे इसमें टुवर्ड, क्योंकि टू एक्चुअली टू
टू होता है डेस्टिनेशन के लिए, टू एक्चुअली फाइनल डेस्टिनेशन के लिए होता है, टुवर्ड होता है कि किस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट हो रहा है। स्टेपिंग टुवर्ड हर बॉयफ्रेंड, स्टेपिंग टू हर बॉयफ्रेंड नहीं होगा, स्टेपिंग टुवर्ड, टुवर्ड मतलब उस तरफ, ठीक है। तो सी इसमें आपका सही आंसर इसमें होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ऑफ द टू ग्रेट कंट्रीज द फॉर्मर इज बिगेस्ट। देखिए बिगेस्ट हम लगाते हैं दो से ज्यादा के लिए, और दो के लिए हम लगाते हैं बिगर। ए इज बिगर देन बी, बी इज बिगर देन सी, ठीक है। तो इसलिए इसमें यहां पर बिगेस्ट ना आते हुए यहां पर हम लगाएंगे बिगर, और सी इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मोस्ट ऑफ अस आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ईटिंग सम वैरायटीज ऑफ मशरूम रिजल्ट इन डेथ। मतलब काफी सारे लोगों को ये नहीं पता है कि मशरूम की कुछ वैरायटी जो है वो इतनी खतरनाक हो सकती है कि उनसे डेथ हो सकती है। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और काफी सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए इसमें इसमें जो रियल सब्जेक्ट है वो है ईटिंग। डेथ जो होगी वो किससे होगी, वो खाने से होगी, ठीक है। तो ईटिंग इसमें एक जेरेंड की तरह यूज हो रहा है, और जेरेंड जो होता है वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर अपने साथ लेता है सिंगुलर वर्ब। तो यहां पर रिजल्ट्स ना होते हुए यहां पर हम लगाएंगे रिजल्ट्स, एस लगाएंगे इसमें, और सी इसमें आपका सही आंसर होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्टिकुलरली CGL, CPO और स्टेनो एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अ लेजिस्लेशन दैट रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ए सिटीजन हैज नो लीगल फोर्स। एक ऐसा लेजिस्लेशन जो फंडामेंटल राइट्स को, एक सिटीजन के फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करता है, उसको रोकता है, उसको लिमिटेड करता है, उसका कोई लीगल फोर्स नहीं होता। तो यहां पर देखिए कौन से हम लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं जो रिस्ट्रिक्ट करता है, एक पर्टिकुलर लेजिस्लेशन की इसमें बात हो रही है। इसलिए यहां पर ए ना लगाते हुए इसमें हम लगाएंगे द, और ए विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इन अक्टूबर 1940 गांधी अबेंडनिंग हिज ओरिजिनल स्टैंड डिसाइडेड टू लॉन्च लिमिटेड सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन इन विच लीडिंग एडवोकेट्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वर सेलेक्टेड टू टेक पार्ट वन बाय वन। तो इसमें कहां पर गलती हो सकती है, देखिए इसमें एक कैंपेन की बात हो रही है, ये कैंपेन गांधी ने चलाया था, ठीक है, टू लॉन्च। इस कैंपेन का क्या नाम था, लिमिटेड सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। तो यहां पर हम लगाएंगे ए, एक कैंपेन है, काउंटेबल नाउन हम लगाएंगे इसमें, और बी इसमें आपका सही आंसर होगा, क्योंकि काफी सारे कैंपेन्स में से एक ये कैंपेन था। गांधी जी ने काफी सारे कैंपेन्स शुरू किए थे, उनमें से ये एक कैंपेन था। तो इसलिए यहां पर इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का बी, इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। बीइंग अ फ्रेंड ऑफ द मिनिस्टर, मिनिस्टर का फ्रेंड होने के नाते आई एम ऑफन इनवाइटेड फॉर ऑफिशियल पार्टीज। देखने में ये सेंटेंस सही लगता है, ठीक है, लेकिन इन्वाइटेड के बाद हम प्रपोजिशन टू लगाते हैं, हम फॉर नहीं लगाते, इसलिए इसमें आपका आंसर होगा सी, इन्वाइटेड टू, नॉट इन्वाइटेड फॉर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। द ऑथर इज नॉट वेल नोन लिटिल बिट पीपल हैव हर्ड ऑफ हिम। मतलब जो ऑथर है उसके बारे में वो वेल नोन नहीं है, काफी सारे लोग उसके बारे में जानते नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो पीपल क्या है, काउंटेबल नाउन है पीपल, तो काउंटेबल नाउन के साथ अब क्या लगाएंगे, क्या लिटिल लगाएंगे, लिटिल तो हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं, और फ्यू हम लगाते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। तो लिटिल के स्थान पर यहां पर हम लगाएंगे फ्यू, फ्यू पीपल हैव हर्ड ऑफ हिम। तो सी इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। माई रीसेंट लंडन ट्रिप वॉज रियली स्पेशल बिकॉज आई वॉज बींग एबल टू मीट माई नेफ्यू एंड हिज फैमिली आफ्टर मैनी ईयर्स। इसका मतलब ये है कि मेरी जो रीसेंट लंदन ट्रिप थी वो काफ़ी स्पेशल थी, क्योंकि मैं अपने नेफ्यू से मिल सकता था। अब यहाँ पर देखिए ये कंटिन्यूस टेंस नहीं है, जैसे जैसे यदि मैं बोलूँ कि ही इज़ बीइंग नाइस, ही इज़ बीइंग क्लेवर, तो मैं मिल सकता था, तो इसलिए बीइंग का इसमें प्रयोग नहीं होगा, कंटिन्यूस टेंस नहीं है ये। आई वॉज एबल टू मीट, मैं मिल सकता था, ठीक है, मैं मिलने में समर्थ था उससे, इसलिए मेरी लंदन की जो ट्रिप थी वो स्पेशल थी।
तो बींग का यहां पर कोई यूज नहीं है और सी सी इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हर मदर एट द किचन, अनीता वॉज ऑन हर मोबाइल टॉकिंग टू वन ऑफ हर फ्रेंड्स। काफी सारे कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व हैं। इंस्टेड ऑफ एक प्रपोजिशनल फेज है, तो इसके बाद आईएनजी फॉर्म आएगा, ये सही है। हर मदर एट द किचन, किचन एक्चुअली एक इनक्लोज्ड एरिया होता है। किचन एक इनक्लोज्ड एरिया होता है, किचन हुआ, कैबिन हुआ, ये रूम हुआ, ये एक इनक्लोज्ड एरिया है। इनक्लोज्ड एरिया के साथ हम एट नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे इन यहाँ पर। और वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन आती है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझना है, ये सही है यहाँ पर। केवल इसमें किचन से पहले यहाँ पर इन आएगा, क्योंकि ये एक इनक्लोज्ड एरिया है, और बी इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। प्लीज गो आउट एंड चेक इफ इट इज येट रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। बाहर जाइए और देखिए कि क्या अब भी बारिश हो रही है। तो यहां पर अब भी के मीनिंग को बताने के लिए हम स्टिल लगाएंगे, येट नहीं लगाएंगे, क्योंकि येट का प्रयोग हम नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। आई हैवंट येट डिसाइडेड, आई हैवंट येट डिसाइडेड। तो येट का प्रयोग होता है अब तक नहीं, तो अब तक नहीं के मीनिंग को बताने के लिए हम एट का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर आपको अब तक बताना है, तो उसके लिए आपको स्टिल का यूज करना होगा, और सी इसमें सही आंसर होगा। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। कैसा लगा ये वीडियो क्लास, प्लीज कमेंट में लिख के बताइए, और इस तरह के वीडियो क्लास में आगे भी इस पर अपलोड करता रहूंगा। यदि ये वीडियो क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं, और यदि फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आप आए हैं तो इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।